हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे बोटनी सेकंड सेमेस्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉसिल यूज्ड टू डिफाइन एंड आइडेंटिफाई जियोलॉजिकल पीरियड आर कॉल्ड। वो फॉसिल कौन से होते हैं जो जियोलॉजिकल पीरियड डिफाइन करते हैं? वो होते हैं हमारे इंडेक्स फॉसिल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेम ऑफ बैम्बू प्लांट इज। तो स्टेम जो होती है बैम्बू प्लांट की, किससे वो बनती है? कॉलम से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेसिस्टेंट टू फिजिकल बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मल्टी सेलुलर ब्रांच राइजोइड्स आर फाउंड इन। तो ये इसका भी कंफर्म नहीं है, आप इसे चेक कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टार्च एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम साइकस इज कॉल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा डी, साइको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेरिडोफाइट बिलोंग टू सेलेनोफाइटा। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा इक्वेस्टियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट का कौन सा एग्जांपल है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा कोकोनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड लेयर बेसिलम एंड टीटम आर कंपोनेंट ऑफ। जो फूड लेयर होती है, बैंकुलम होते हैं, टैंकटम होते हैं, किसके कंपोनेंट है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर कॉन्टिनेंट गोंड वाटर हैड इंक्लूडेड गोंडवाना। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी, नहीं सॉरी डी, डी इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बायरोफाइट इन विच इज प्रोजीनियस टिश्यू डेवलप फ्रॉम एम्फीथीशियम। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू डिटरमाइन एज ऑफ रोग्स। हमें कैसे डिटरमाइन कर पाते हैं एज ऑफ रोग्स? तो पॉलन ग्रेन की वजह से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एडेप्शन ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर प्रोडक्शन। दो डिफरेंट टाइप का स्पोर प्रोडक्शन होता है, विद द रिटेंशन एंड जर्मिनेशन ऑफ सिंगल मैंगा स्पोर की वजह से विद इन मैंगा स्पंजियम टू प्रोड्यूस फीमेल गैमेटोफाइट लेड टू फिनोमिना ऑफ। तो इसको हम कौन सा फिनोमिना कहते हैं इस प्रोसेस के पूरे उसको? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सीड हैबिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्ब्रियो आर लैकिंग एंटी पोडल सेल इन। जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो सैक होता है, वो एंटी पोडल सेल में होता है, किसमें होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्ब्रियो सैक लैकिंग एंटी पोडल सेल इन। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिटॉर्ट सेल आर फाउंड इन। कहाँ पे रिटॉर्ट कोशिका कहाँ पे पाई जाती है? तो पाई जाती है सेफेकम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फीथरी स्टिग्मा आर फाउंड इन। वहाँ पे पाया जाता है, तो वो ट्रेटिकम में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैड प्रपोज टूनिका कॉर्पस थ्योरी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए, स्किमेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रूटलेस एंजियोस्पर्मिक। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टिप्यूल टेंडल इज फाउंड इन। तो ये कौन पाई जाती है? ये जो है सिमिलेक्स पाई जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेरिडोफाइट इज नॉट हेट्रोस्पोरस। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंग पॉलन ग्रेन आर फाउंड इन। विंग पॉलन ग्रेन कहाँ पाए जाते हैं? पाइनस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टू डायमेंशनल फॉसिल टाइप। टू डायमेंशनल फॉसिल टाइप कौन से होते हैं? इंप्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शेप ऑफ मस्टर्ड लीव इज। जो मस्टर्ड लीव की शेप होती है कैसी होती है? तो लाइरेट की तरह होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकस एंड लाइकोपोडियम रिजेंबल ईच अदर इन हैविंग मोटाइल स्पर्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गायनोस्पर्म हैविंग वेसल्स इन देयर जाइलम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, हमारा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्किगोनेट प्लांट्स इंक्लूड। आर्किगोनेट कौन से प्लांट इंक्लूड करते हैं? बायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिपोन स्टील विद लीफ इज अ स्टीम गैप इज कॉल्ड सोलिनो स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज लेटर्स विद स्पाइरल थिकनिंग फाउंड इन। तो इसका करेक्ट आंसर है मच इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द हिस्टोकन थ्योरी वॉज प्रपोज बाय। तो ये जो है किसे प्रपोज करी थी? इसे प्रपोज करी थी हेनस्टी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोलेस्टेंट सेंटर इज प्रेजेंट इन रूट अपेक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिगल जोन इज करेक्टरिस्टिक ऑफ। एलिगल जोन जो है किसका करेक्टरिस्टिक है? कोरल रूट ऑफ साइकस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनुअल रिंग आर डिस्टिंक्ट इन प्लांट इज ग्रोइंग इन। तो इसका करेक्ट आंसर है टेम्परेट रीजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट पार्ट डेवलप फ्रॉम द ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल से कौन सा को क्या डेवलप होता है? कौन से प्लांट का पार्ट डेवलप होता है? सीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट लैंड इनहेबिटिंग प्लांट्स आर पायरोफाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्ट ऑफ द फ्लावर दैट कंटेन द पोलन ग्रेन इज। तो वो पार्ट फ्लावर का जो कंटेन करता है पोलन ग्रेन, सबको पता होगा, स्टैमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सीडुलेट्स आर प्रेजेंट इन। ये आप मुझे कमेंट में बताना, वैसे इसका ज्यादातर मुझे इंडिया आंसर। ठीक है, स्टडी ऑफ फ्रूट्स इज कॉल्ड प्रिमोलॉजी। ठीक है, पोमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फीमेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म इज एम्ब्रियो सैक इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोटानिकल स्नेक्स हैं, बोटानिकल स्नेक्स को क्या किया जाता है? टेरिडोफाइट्स में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज क्लब मॉस। इसका करेक्ट आंसर है लाइकोपोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लांट ऑफ लाइना ग्रो इन एरियाज वेयर वेपर्स ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्फ पॉलिनेशन विच अगर बिटवीन टू डिफरेंट फ्लावर प्रेजेंट ऑफ द सेम प्लांट इज कॉल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा गिटोनोगैमी। नेक्स्ट, हिस्टोरी ऑफ सकिंग रूट आर फाउंड इन। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा कस्क्यूटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसल प्रेजेंटेशन इज फाउंड इन। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओनली लिविंग एलिमेंट इन जाइलम टिश्यू इज। जो लिविंग एलिमेंट होता है जाइलम टिश्यू में, वो कौन सा होता है? वूड पेरेन्काइमा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इन इंडिया दिस प्लेस इज कॉल्ड द गोल्डन माइन ऑफ लिवरवोर्ट्स, तो इसका करेक्ट आंसर है वेस्टर्न हिमालया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेन फ्लोरा वॉज बेस्ट सीन इन, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए हेवेनियन कॉल, मतलब कि पीरियड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टील विद द सेंट्रल पिथ इज कॉल, तो इसका करेक्ट आंसर है सिफोनस स्टील। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नोन फादर ऑफ प्लेबोटनी, तो इसका करेक्ट आंसर है बीरबल सहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोम, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए कोलकोस्टिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मस्क्यू द इन्फ्लोरेंस इज स्पैडेक्स इज अ करेक्ट आंसर। तो हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं इंपॉर्टेंट। सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट। ओके बाय।